आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है कि एक स्टील रॉड है 2.5 मीटर लॉन्ग और वो रिजिडली क्लैम्प्ड है सेंटर में और इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस हो रहा है दोनों साइड से रबिंग करने पर बाय रबिंग अलोंग द रॉड। तो अपने को यंग्स मॉडुलस दे रखा है और डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखा है। अब ये दे रखा है कि अगर ये क्लैम्प जो कि सेंटर में इसको ए के पास ले जाया जाए, मतलब सेंटर से यहाँ तक ले जाया जाए और टोटल 4 एंटीनोड्स ऑब्जर्व किया जा रहा है उस केस में व्हेन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सेट अप, तो उस केस में अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द रॉड निकालना है उस पर्टिकुलर मोड में जो दे रखा है। तो जैसा कि अपन जानते हैं ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ए जो है अपना क्लैम्प्ड है तो यहाँ नोड बनेगा और फिर अपने पास 4 एंटीनोड दे रखा है। तो ये एंटीनोड 1, 2, 4 एंटीनोड बन जाएंगे इक्वल डिस्टेंसेस पे। तो जैसा कि अपन जानते हैं एक नोड और एंटीनोड, तो यहाँ पे भी एक नोड होगा, उसी तरह यहाँ भी एक नोड होगा और यहाँ भी एक नोड होगा। नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस अपन जानते हैं कि लैम्डा बाई 2 होता है, यहाँ भी लैम्डा बाई 2 होगा, यहाँ भी लैम्डा बाई 2 होगा और ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा क्योंकि नोड से एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 होता है, अपने को पता है कि कुछ इस तरह से है। जैसे ये अगर तो नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाई 2, और उसी तरह ये एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 4, उसका आधा लैम्डा बाई 2 का। तो अपन लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रॉड अपने को दे रखा है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि 3 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ से अपने को लैम्डा आ गया 10/7 मीटर। तो अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हो गया उस केस में। अपन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हो गया वेलोसिटी बाय लैम्डा। वेलोसिटी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखा है और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है, तो यहाँ से अपन वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एट 2 × 10^11 डिवाइडेड बाय 8000 इक्वल टू हो जाएगा ये 10^11 अपना घट के आ जाएगा 10^11 8 और ये आ जाएगा अपना 4। ये हो गया 10^4/2 इक्वल टू 5 × 10^3 इक्वल टू 5000 मीटर पर सेकेंड। ये अपना वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्टील आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे 5000 फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए और लैम्डा अपन ने निकाल लिया था 10/7, तो अपना आंसर आ गया 3500 हर्ट्ज। ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो गया।